नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समानार्थी शब्दों का परिचय मैं कराने वाला हूं। तो मराठी में देखिए समानार्थी शब्द किस प्रकार से हैं। तो यहां मैंने मराठी में शब्दों का लेखन किया है और उसका वाचन करके मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए आप मराठी में देखिए समानार्थी शब्दों का वाचन और लेखन। वारा, वारा पवन समानार्थी शब्द है मराठी में। आई माता, तोंड मुख, शेत वावर, रास्ता वाट, गांव खेड़े, बाबा पिता, शाला विद्यालय, किला गढ़, उशीर विलंब, ठेठ, ठेठ मंजे सरल, बुद्धिमत्ता प्रज्ञा अथवा मति, गड़द, गड़द मंजे दाट, पक्षी पाखरू, सूर्य रवि, गवत तृण, चंद्र शशि, ढग मेघ, काड़ोक अंधार, गट्टी, गट्टी मंजे दोस्ती अथवा मैत्री, निवारा, निवारा मंजे आश्रय, वास्तु, वास्तु मंजे इमारत, भक्ष खाद्य, ओझे वजन, उड़ी, उड़ी म्हणजे झेप। तर असे हे मराठी शब्दांचे हे समानार्थी शब्द आहेत। पुढे बघा मराठी शब्दांचे समानार्थी शब्द कसे आहे। मातृभूमी मायभूमी, माया प्रेम, वस्त्र कपड़ा, कापडपण होणार, आई माता, आण, आण म्हणजे शपथ, सेवट रास, माशा, माशा माशोळी, नातेवाईक सगे सोयरे, किनारा काठ, आठवण स्मरण, जल पाणी, गंध, गंधचे समानार्थी शब्द सुवास, लाडकी प्रिय, चड़फड़, चड़फन मंजे राग अथवा चीड़, ईंधन, ईंधन मत अर्थात ज्वालाग्राही पदार्थ, ईंधन अर्थात ज्वालाग्राही पदार्थ जैसा ने आग लागते, दृढ़, दृढ़ मंजे थाम निश्चित किंवा पक्की, सुरेख, सुरेख से समानार्थी शब्द सुंदर, सुबकचे पण समानार्थी शब्द सुंदर, वादळ, वादळ म्हणजे तुफान, अवघे, अवघे म्हणजे सगळे पुरे। तर अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने दिलेला समानार्थी शब्द, दिलेल्या शब्दांचे समानार्थी शब्द वाचन करा, लेखन करा, श्रवण करा। धन्यवाद सगळ्यांना।